विराट कोहली जी हाँ भारतीय क्रिकेट के कप्तान हैं और लोग उन्हें काफी पसंद भी करते हैं। और लेकिन आज हम आपको विराट कोहली के साथ जुड़ी कुछ खास बातों का आज हम आपको जिक्र करने वाले हैं। वेल आपको बता दें, सबसे पहले आपको ये भी जानकारी हो कि जान के हैरानी होगी पर वर्ल्ड में उनकी फैन फॉलोइंग 100 मिलियन है, जिनमें से 29.4 मिलियन ट्विटर पर और 33.1 फेसबुक पर, वहीं 37.4 इंस्टाग्राम पे उनके फॉलोवर्स है। कोहली का निकनेम चीकू है, उन्हें उनके कोच अजीत चौधरी ने दिया है। सबसे कम उम्र में इस अवार्ड को पाने वाले विराट कोहली पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने साल 2012 में 22 साल की उम्र में वन डे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता था। विराट कोहली को साल 2013 में पद्मश्री अवार्ड और अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया और साथ ही साल 2018 में उन्हें भारत के सबसे बड़े अवार्ड राजीव गांधी खेल पुरस्कार से नवाजा गया। विराट कोहली ने मार्च 2013 में अपनी चैरिटी की शुरुआत की जिसका नाम उन्होंने विराट कोहली फाउंडेशन रखा। ये चैरिटी गरीब बच्चों की शिक्षा में मदद करता है। विराट कोहली अपनी जर्सी पर उस एड का लोगो नहीं लगाते जिन चीजों का वह खुद इस्तेमाल नहीं करते। इतना ध्यान अपने फैंस का तो सिर्फ विराट ही रख सकते हैं और एक बात उन्हें हर मैच में अपने बल्ले में MRF लिखवाने के 3 लाख रुपए वो लेते हैं। विराट को साल 2008 IPL में पहली बोली बैंगलोर ने 12 लाख रुपए की लगाई थी। उस समय विराट का इतना बोलबाला नहीं था पर साल 2018 IPL में उनका रेट 141 गुना बढ़ गया, यानी कि 10 सालों में 17 करोड़। विराट ने अपने करियर का पहला अंतर्राष्ट्रीय वनडे 2008 में श्रीलंका के खिलाफ, T20 2010 में जिम्बाब्वे के खिलाफ और टेस्ट मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला। साल 2019 में उन्होंने अपना पहला वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला। विराट का क्रिकेट के बाद फुटबॉल खेल सबसे ज्यादा पसंदीदा है जिस वजह से उन्होंने FC गोवा फुटबॉल टीम को साल 2014 में इंडियन सुपर लीग में खरीद लिया था। बता दें फोर्स मैगजीन में विराट कोहली को साल 2017 में भारत का सबसे वैल्यूएबल सेलिब्रिटी ब्रांड बताया और साल 2018 में उन्हें अपनी टॉप 100 सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों के लिस्ट में 83वें स्थान पर रखा। फिल्म अड्डा से प्रियंका की रिपोर्ट।